ओके। नमस्कार बच्चों, बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन शिक्षण माध्यमिक विभाग कक्षा 9वीं, आप सभी का स्वागत है। आज के कक्षा में विषय हिंदी है। आज का विषय शिक्षिका मैं श्रीमती अरीता राव। मेरे स्कूल का नाम ग्लोबल पैसेज परेन। बच्चों, आज हम हिंदी का आपके पाठ्य पुस्तिका कुमार भारती दूसरी इकाई पाठ 10 क्रोध, पाठ का नाम है क्रोध। बच्चों, यह जो है पूरक पठन है आपका, और इसके लेखक जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्रोध पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका थोड़ा सा हम परिचय देखेंगे, इनका जन्म और परिचय। उसके पहले ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके बाद हम परिचय प्राप्त करेंगे। बच्चों, क्रोध इस तरह का होता है। क्रोध के जो रूप हैं, देखिए क्रोध के रूप बताए गए हैं। पहला है प्रतिकार स्वरूप क्रोध, दूसरा लोक कल्याण के लिए क्रोध, उसके बाद परपीड़नोन्मुख क्रोध, चौथा बैर, पांचवा चिड़चिड़ापन। ये सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों। फिर उसके पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का परिचय देखेंगे। जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। उनका जन्म जन्म 4 अक्टूबर 1884 अगोना बस्ती के हैं ये, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। इनका जन्म हुआ। मृत्यु जो है इनकी 2 फरवरी 1941 वाराणसी में हुआ, उत्तर प्रदेश में। आप यानी शुक्ल जी हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ हैं। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात आपके ही द्वारा हुआ है। आप श्रेष्ठ और मौलिक निबंधकार थे। आपने सरल के साथ साथ परिमार्जित भाषा में पूर्ण अधिकार के साथ लिखा है। व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष भाषा आपकी विशेषता है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य जगत में इनका बहुत ही नाम है और ये आधार स्तंभ माने गए हैं। इनकी कृतियां हैं विचार विधि, चिंतामणि भाग 1, 2 और 3, ये निबंध संग्रह है इनका। रस मीमांसा, उसके बाद त्रिवेणी, सूरदास, ये आलोचना है इनका। जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली आदि संपादन है। हिंदी साहित्य का इतिहास ऐतिहासिक ग्रंथ है। शशांक अनुवादित उपन्यास है, अनुवाद किया हुआ ये उपन्यास है शशांक। विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, मेगास्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, ये सब जो है ये अंग्रेजी से अनुवादित किया हुआ है ये। अब आइए बच्चों इस गद्य संबंधी देखते हैं क्या है। यह जो है बच्चों मनोवैज्ञानिक निबंध है। निबंध यह गद्य लेखन की एक विशेष विधा है। गद्य लेखन जो पाठ हम पढ़ रहे हैं वह गद्य की अलग अलग विधाएं होती है। यह भी एक विधा है। किसी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से बांधते हुए लेखन करना निबंध है। हम इसमें निबंध में क्या करते हैं, किसी विषय वस्तु को लेकर उसके ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से जो है लिखते हैं, उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। इस लेखन को ही निबंध कहते हैं। और यह जो है विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई रचना निबंध है। निबंध किसे कहते हैं, जो एक विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी हुई रचना को निबंध कहते हैं। तो इस प्रस्तुत निबंध में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, शुक्ल जी ने क्रोध, बैर, चिड़चिड़ापन आदि भावों का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है इस पाठ में, इस पूरक पठन में बच्चों। तो आइए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह मनोविकारात्मक निबंध क्रोध, इस निबंध में क्रोध की उत्पत्ति के कारण और दूसरा है सामाजिक जीवन में क्रोध की आवश्यकता क्यों है और क्रोध में एक अंधापन कैसे होता है, क्रोध के दमन पर क्यों बल दिया जाता है और स्वदुखजन्य क्रोध और परदुखजन्य क्रोध में क्यों अंतर है। बैर और क्रोध में क्या संबंध है, इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या विचार व्यक्त किए हैं। बच्चों आज हम कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। तो बच्चों चिर निवृत्ति यानी बहुत समय के लिए जो है छुटकारा। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है, यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो वह केवल आह उह करके करेगा और उस जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं है। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय यानी मतलब यह नहीं है कि क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसलिए है। तो बच्चों क्रोध जो है यह सामाजिक जीवन के लिए एक आवश्यक, क्रोध की बहुत आवश्यकता रहती है समाज में। यदि मनुष्य के मन में इस भाव की उत्पत्ति ही ना हो तो व्यक्ति अपने को दूसरे के कष्टों से बचने का कोई और मार्ग नहीं अपना सकता। अतः हमें हमेशा कष्टों को सहना पड़ेगा। इस तरह से साधारणतः जो है क्रोध व्यावहारिक जीवन में प्रतिकार के रूप में दृष्टिगत होता है। तो अभी देख सकते हैं हम उदाहरण के तौर पे कि अगर कोई व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति है वो 2-4 प्रहार कर रहा है तो सामने वाले के मन में या सामने वाले को क्रोध जो है उसमें अगर आता है प्रतिकार के रूप में, अगर उसमें क्रोध का विकास ही नहीं हुआ तो सिर्फ वो आहू करके रह जाएगा। लेकिन उसका जो है प्रभाव दूसरे जो सामने वाला है जो दुष्ट व्यक्ति उस पर कोई नहीं पड़ेगा, उस पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए कभी कभी क्रोध जो है करना आवश्यक हो जाता है। यह भी नहीं कह सकते कि भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है। एक तो भय के कारण कर लेता है, अपनी रक्षा के लिए क्रोध कर लेता है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं कर सकते हैं हम। यानी क्रोध जो है करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट, यानी जो आगे आने वाले कष्ट है उससे बचने का उद्देश्य रहा करता है, जिससे एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है। जो कष्ट पहुंचाया जाता है वो प्रतिकार मात्र है, उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। यानी कि जिससे एक बार दुख पहुंचा हो, यानी कि ये हमारे प्रियजन भी हो सकते, चाहे कोई और भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही बार दुख पहुंचा हो, उसकी दोहराए जाने की संभावना भी रहती है। तो यह जो है क्रोध एक प्रतिकार के रूप में होता है, उसमें रक्षा की भावना कुछ नहीं होती है। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है, प्रतिकार के रूप में, यानी बदले के रूप में, बदले की भावना के रूप में। एक दूसरे से अपरिचित 2 आदमी रेल में चले जा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे देखिए 2 व्यक्ति जो है अपरिचित है वह रेल में चले जा रहे हैं। इनमें से एक को आगे ही के स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बात ही बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो यह उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा, क्योंकि उसे फिर उस व्यक्ति के तमाचे खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। यानी कि देखिए इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक जो व्यक्ति है दोनों अपरिचित हैं, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति अगर तमाचा मार दिया उतरते उतरते तो दूसरा जो है वह भी अपने प्रतिकार के रूप में या बदले की भावना के रूप में उस तमाचा उतरने के पहले लगा दे। तो यानी ये उसकी बदले की भावना हुई, ठीक है, लेकिन इसका कुछ भी निश्चय नहीं था कि पहले से कि मतलब यह तमाचा मारने वाला है। तो जब तक वो जो है अपना बदला ना ले तो उसका जो क्रोध है वो बढ़ता रहेगा। जहां और दुख पहुंचाने की कुछ भी संभावना होगी वहां शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें स्वरक्षा की भावना भी मिली होगी, यानी आत्मरक्षा, स्वरक्षा की भावना। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य यानी हमेशा आकर हमें 2-4 टेढ़ी सीधी सुना जाता है। यानी हमारे जो पड़ोसी हैं, पड़ोस में तो देखो हमेशा जो है कुछ ना कुछ होता रहता है, अनबन। अगर अच्छे पड़ोसी है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा जो है अच्छे पड़ोसी नहीं मिलते। तो यहाँ पर जो है एक पड़ोसी है, वहां पर जो है हमेशा जो है 2-4 टेढ़ी सीधी बातें सुनाया करते हैं। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दे तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा। यह जो है प्रतिकार नहीं है। अगर हमेशा हमेशा हम सुनते रहे तो हमारा जो है क्रोध, हम सहनशीलता के जो है सहते जा रहे हैं। एक बार क्रोध जो है अगर जोर पकड़ लिया तो उसे जो है हम पीट कर अगर रख दे तो यह प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियां सहने के, दुख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जाएगी। यानी कि यह जो है आगे भविष्य की ओर देखा जा रहा है कि आगे जो है ऐसी जो है हमें जो भी गालियां है या जो भी बातें वो सुननी न पड़े। इस वजह से यह क्रोध व्यक्त किया गया है। इन दोनों दृष्टांतों को ध्यान पूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख से द्विग्न होकर दुखदाता को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दोनों में है, यानी दोनों में जो है एक दूसरे को, दोनों के क्रोधों में देखा जाए तो एक दूसरे को दुख पहुंचाने की प्रवृत्ति है, पर एक में वह परिणाम आदि का विचार बिल्कुल छोड़े हुए है और दूसरे में कुछ लिए हुए है। यानी पहला जो है नित्य हमेशा हमेशा जो सुना रहा है खरी खोटी, वह जो है आगे का नहीं सोच रहा है कि क्या होगा, परिणाम क्या होगा, और दूसरा जो है दूसरे में कुछ लिए हुए है, यानी कि भविष्य में ऐसा न सुनना पड़े इसके लिए। इनमें से पहले दृष्टांत का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई देता, यानी जो हमेशा रोज रोज जो सुना रहा है वो कोई उपयोगी नहीं है, उसका जो क्रोध है बेवजह है। पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो, पर लोग के भीतर वह बिल्कुल खाली नहीं जाता। दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचाने का डर न सही। समाज को तो है उसमें, इसमें उसे उचित दंड दे देने से पहले तो उसी की शिक्षा या भलाई हो जाती है, फिर समाज के और लोगों के बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। यानी और किसी को ये न सहना पड़े, हम तो सहे लेकिन और किसी को न सहना पड़े, अगर उसे उचित दंड न दिया जाए तो वह जो है हमेशा ऐसे ही करता रहेगा। इससे क्या होता है, ये तो अपने लिए बचाव है ही, साथ ही समाज का बचाव भी हो रहा है, इसमें समाज के लोक कल्याण की भी बात है इसमें। यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती है, यानी क्रोध जो है हर समय एक ही प्रकार का नहीं होता है, यानी यहाँ पर जो है हर जगह लोक कल्याण की बात नहीं रहेगी। अधिकतर क्रोध तो प्रतिकार के रूप में भी होता है, यानी बदले के रूप में क्रोध व्यक्त किया जाता है। तो हर समय, जैसे कि मैंने कहा, क्रोध जो है अलग अलग होता है। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना रहता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वो यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। अभी क्रोध जो है कभी कभी उग्र रूप ले लेता है, तो उसका जो है लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना रहता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है, यदि वो, यानी हम जिस पर क्रोध प्रकट कर रहे हैं, जिस पर क्रोध कर रहे हैं, यदि वो डर जा रहा है या पश्चाताप कर रहा है, नम्र होकर विनम्र होकर क्षमा याचना कर रहा है अगर हमारे सामने, तो उसे एक अवश्य जो है अवसर प्रदान करना चाहिए। इससे क्या होता है, क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। यानी दोनों में क्रोध अगर बराबर है तो यह क्रोध अगर उग्र रूप ले लिया तो दोनों में है दुष्परिणाम जो है हो सकता है, दोनों के लिए परिणाम अच्छा नहीं होगा। अगर सामने वाला अगर क्षमा मांग रहा है, पश्चाताप कर रहा है, तो हमें जो है उसे क्षमा कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे क्रोध जो है वो आगे और बढ़ेगा नहीं और इससे दोनों के लिए अच्छा ही होगा, जिससे क्या होगा, दुष्परिणाम की नौबत नहीं आएगी। एक की उग्र आकृति देख दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है, यानी अलग हो जाता है, या नम्र होकर पूर्व कृत्य दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है, यानी उसने जो पहले व्यवहार किया उसके लिए वह दुर्व्यवहार यानी जो किया है उसके लिए क्षमा चाहता है। तो बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर करना मात्र होता है, यानी कभी कभी यह भी आवश्यक होता है कि सामने वाले व्यक्ति में अभिमान, बहुत ही गर्व, बहुत ही अभिमान होता है, तो उसको जो है चूर करने के लिए, उसको जो है खत्म करने के लिए क्रोध व्यक्त करना कई कई जगहों पर अच्छा होता है। अर्थात दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है। अगर कोई अभिमानी व्यक्ति है तो वह जो है अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है, उससे वह बहुत से लोगों को यूं ही खटका करता है। यानी कि हम कहते हैं कोई बहुत ही अभिमानी है, घमंडी है, तो कहते हैं ना कि अब इससे जो है दूर ही रहना चाहिए, ये बहुत ही जो है अभिमानी व्यक्ति है। हाँ, और इससे क्या होता है, वो बहुत से लोगों को खटका करता है। यानी कि लोग जो है इसे पसंद नहीं करते। खटकना मतलब वो जो है लोगों बुरा लगता है, लोगों को उसके पास जाना पसंद नहीं करते हैं लोग। लोग जिस तरह हो सके अपराध द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। अभिमानी पर जो रोष होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है। यानी जो उस पर अभिमानी व्यक्ति पर जो क्रोध व्यक्त किया जाता है वह जो है उसकी अभिमानी जो प्रवृत्ति है उसको जो है कम करने के लिए, नम्र करने के लिए, उस व्यक्ति को उसका हानि या पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता है। यानी कि उसको कुछ पीड़ा हो या हानि हो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहता। संसार में बहुत से अभिमानी का उपचार अपमान द्वारा ही होता है। यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो संसार में अभिमानी है तो उनका उपचार, उनको ठीक करने के लिए उनका अपमान करना, यानी कि अपमान द्वारा ही वो ठीक हो सकते हैं, उनका अभिमान जो है वो खत्म हो सकता है। क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। यानी कि क्रोध जब व्यक्ति को आ जाता है तो वह जो है अच्छा बुरा समझ ही नहीं पाता है, वो विचार ही नहीं कर पाता है कि मैंने जिसको दुख पहुंचाया है तो उसको दुख पहुंचाने की मेरी इच्छा थी या नहीं थी, वो इस बात की ओर ध्यान ही नहीं देता है। इसी से कभी तो यह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कंकड़ पत्थर तोड़ने लगता है। यानी अचानक ठोकर लग गई, अगर गिर गया व्यक्ति या किसी के द्वारा पैर कुचल गया तो किसी को मारने लगता है। अगर सामने जो भी पड़ा उसके तो उसको जो है वो तोड़ने या मारने लगता है। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते। एक इस प्रकार का भी क्रोध रहता है। यानी कि क्रोध आता है तो व्यक्ति अपने वश में नहीं रहता, बिना सोचे समझे जो है वो क्रोध कर बैठता है। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है तो वह अंतर प्रकृति में व्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अव्यवस्था में ले जाकर पटक देता है। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। यानी क्रोधी व्यक्ति है या क्रोध बार बार आ रहा है तो क्या इस शांति रहेगी? नहीं। क्रोध जो है इसलिए कहा जा रहा है क्रोध जो है शांति भंग करने वाला एक मनोविकार है। मन में उत्पन्न करने वाले ये जो भाव है क्रोध, दुख, ये जो है मनोभाव है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। यानी अगर सामने वाले के मन में क्रोध है तो वो दूसरे में भी क्रोध का संचार कर सकता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है। यानी अगर हम पर कोई क्रोध करता है तो हमें अपमान अनुभव होता ही है ना। तो इससे क्या होगा, और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। सामने वाले को भी बहुत तेज क्रोध आता है, अगर उसका अपमान हुआ तो। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित है। ये बहुत थोड़े होते हैं, बहुत कम होते हैं, यानी कि विचार ही नहीं करते कि जिस पर हम जो क्रोध कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित है, अच्छा है या बुरा है, ये नहीं समझ पाते, ये विचार ही नहीं कर पाते वो। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश दिया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, तीनों जगह धर्म हो चाहे नीति हो चाहे शिष्टाचार हो, तीनों जगह पर क्रोध का जो है, क्रोध के निरोध का उपदेश दिया जा रहा है। यानी यहाँ पर तीनों जगह जो है क्रोध नहीं किया जाना चाहिए, उपदेश दिया जा रहा है। संत लोग तो खलों के वचन सहते ही हैं, संत लोग तो खलों के वचन सहते ही हैं, दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊंची नीची बचाते रहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर, सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं, यानी सब जगह हम क्रोध व्यक्त नहीं कर सकते। इस प्रकार का जो प्रतिबंध है समाज की सुख शांति के लिए आवश्यक है। अब देखिए बच्चों, क्रोध जो है, अगर सामाजिक जीवन में अगर क्रोध आवश्यक तो है ही, लेकिन यह एक प्रकार का जो है मनोविकार है और समय समय पर यह विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होता है। हर जगह जो है अलग अलग रूप में प्रकट होता है ये। कहीं पर एक क्रोध जो है उग्र रूप ले लेता है ना। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति में तरह तरह की स्वास्थ्यगत यानी स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता है, स्वास्थ्य संबंधी जो है समस्याएं उत्पन्न होती है उसमें। तो इस तरह से क्रोध मनुष्य की शांति भंग करने वाला यह मनोविकार है। अगर क्रोध रहेगा मनुष्य में तो अलग अलग विचार आएंगे उसके मन में और शांति नहीं रहेगी। मन में जो है कुछ ना कुछ बदले की भावना, प्रतिकार के रूप में क्या करूं मैं, कैसे करूं, कैसे अपनी बदले की भावना जो है कैसे निकालूं, किस प्रकार से जो है अपना क्रोध व्यक्त करूं, ऐसे तरह तरह के जो है उसके मन में विचार उत्पन्न होते रहेंगे। इससे क्या होगा, मनुष्य में जो है शांति नहीं रहेगी, उसके विचारों में जो है वो मनोविकार उत्पन्न होंगे। तो अगर एक व्यक्ति का क्रोध दूसरे व्यक्ति में भी क्रोध का कारण बन जाता है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। तो इस तरह से क्या होगा, इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा, परिणाम कि वह व्यक्ति जो है मनोविकार ग्रस्त हो जाएगा। और अगर बार बार जो है उसमें यही भावना उत्पन्न होगी, बदले की भावना, क्रोध जो है वो आते रहेगा, तो मनोविकार ग्रस्त हो जाएगा वह, यानी उसके जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, तबीयत खराब हो जाएगी उसकी। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, व्यक्ति में बैर का भाव पैदा होने लगता है। अगर क्रोध नहीं खत्म होगा अगर उसके मन से, तो क्या होगा, बैर की भावना यानी कि दुश्मनी, बैर ही हो जाएगा, बैर की भावना जो है वो पैदा होने लगती है और वो कभी फिर खत्म नहीं होता। और यह भी व्यक्ति में मनोविकार का कारण बन जाता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो चिढ़ने लगता है, कोई भी बात बोले उसे जो है चिड़चिड़ापन पैदा करता है, अच्छी बात भी उसे बुरी लगेगी। तो अगर अत्यधिक क्रोध किया जाता है तो इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति में जो है रक्तचाप की बीमारी भी बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है, यानी उसकी बीपी बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्रोध पर जो है नियंत्रण रखना वो बहुत ही आवश्यक होता है। अगर ऐसे क्रोध पर नियंत्रण, इसीलिए देखो यहाँ पर लिखा गया है, इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे व्यक्ति में, अगर हर व्यक्ति जो है क्रोध करने लगा तो उसका जो है स्वास्थ्य संबंधी जो है उसकी समस्याएं बढ़ती जाएगी। समाज में भी अव्यवस्था जो है वो अव्यवस्थित हो जाएगा समाज भी। क्रोध के आगे बढ़ते हैं। क्रोध के प्रेरक के दो प्रकार के दुख हो सकते हैं, अपना दुख और पराया दुख। अब इसमें देखिए, एक तो अपना दुख है, क्रोध जो है उसके दो स्रोत हैं, एक अपना दुख और दूसरा पराये का दुख। ये दुख के कारण जो है क्रोध उत्पन्न होता है। तो जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है, यानी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध अच्छा नहीं होता है, क्रोध से है जो है भलाई नहीं होती है, इससे अपना नुकसान ही होता है, ऐसे कहा जाता है। तो इसीलिए क्रोध का त्याग कर देना ही अच्छा होता है, ऐसा उपदेश दिया जाता है। तो वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध है, यानी कि अपना दुख अगर है, अपने स्वयं का दुख है, तो उसके लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई के हद के बाहर समझा जाता है, यानी एक तो अपना दुख हो गया, पराया दुख होता है, अगर उसके ऊपर क्रोध अगर है उत्पन्न हुआ है तो वो बुराई के हद तक ले जाता है, उसे प्रतिकार के रूप में, बदले के रूप में, ऐसा जो है क्रोध उत्पन्न होता है, और उससे जो है दोनों का ही नुकसान होता है। क्रोधोत्तेजक दुख जितना ही अपने संपर्क से दूर होगा, उतना ही लोक में क्रोध का स्वरूप सुंदर और मनोहर दिखाई देगा। यानी जितना ही हम क्रोध से दूर रहेंगे, उसके संपर्क से दूर रहेंगे, उतना ही जो है लोक में क्रोध का स्वरूप जो है वो सुंदर अच्छा होगा, और हमारा जो है समाज भी अच्छा होगा, लोग भी अच्छे होंगे, हमारे मन के जो विचार है वो भी अच्छे रहेंगे, कोई मनोविकार उत्पन्न नहीं होगा। दुख से आगे बढ़ने पर भी कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुख कहा जा सकता है। दुख से आगे बढ़ने पर भी कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुख कहा जा सकता है, जैसे अपने आत्मीय परिजन का दुख, इष्ट मित्र का दुख। इसके आगे भी जहां तक दुख की भावना के साथ कुछ ऐसी विशेषता लगी रहेगी कि जिसे कष्ट पहुंचाया जा रहा है वह हमारे ग्राम, पूर्व, देश का रहने वाला है, वहां तक कि हमारे क्रोध में सौंदर्य की पूर्णता के कुछ कसर रहेगी। जहां उक्त भावना निर्विशेष रहेगी वही सच्ची पर दुख कातरता मानी जाएगी। हम देखिए, अगर हमें आत्मीय जन यानी हमारे अपनों का कष्ट है, कोई दुख है, तो हम उसके प्रति जो है दुख व्यक्त करते हैं, इसको क्रोध नहीं कहा जा सकता। यह जो है एक अच्छी बात है। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है। इनके आगे क्षमा न दिखाई देगी, नैराश्य, कायरता, अस्थिरता ही छाई दिखाई पड़ेगी। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह और तत्परता की प्रभा जिस क्रोधाग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ेगी और उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोक करेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई बहुत काल से, बहुत लंबे समय से पीड़ा पहुंचाते आ रहा है तो उस घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है। अब यह जो है इसमें क्षमा दिखाई नहीं देगा, क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि निरंतर जो है वो कष्ट पहुंचाते जा रहा है, दुख पहुंचा रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है। तो ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच जो है आशा, उत्साह, तत्परता की प्रभा यानी उसका जो है प्रकाश जिस क्रोधाग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ती है उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोक करेगा। क्रोध जो है बैर क्रोध का प्रचार नहीं, यहाँ पर आचार या मुरब्बा है। यहाँ पर प्रचार शब्द गलत है, यहाँ पर आचार आएगा। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, जिससे हमें दुख पहुंचाना है, जिससे हमें दुख पहुंचा है उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह बैर कहलाता है। यानी कि हमें जिससे दुख पहुंच रहा है, हमने क्रोध किया उस पर और यह क्रोध हमारे बहुत दिनों तक हमारे हृदय पर जो है टिका रहता है, तो वो जो है क्रोध खत्म नहीं होता, वो बैर की भावना में बदल जाती है, वही बैर कहलाता है। यह स्थायी रूप में टिक जाने का कारण क्रोध का वेग और उग्रता तो धीमी पड़ जाती है, यानी उग्रता कम होगी लेकिन इसमें क्रोध का वेग जो है वो स्थायी रूप से टिका रहेगा, यानी बना रहेगा। क्रोध इसमें खत्म नहीं होगा, पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत बहुत काल तक हुआ करती है। यानी जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोध है, हमें जिसको हम लक्ष्य मान रहे क्रोध करने का, तो वह जो है उसको पीड़ित करने की प्रेरणा, यानी उसको जो है किस प्रकार से हम उसका प्रतिकार ले, किस प्रकार उस पर क्रोध करें, तो यह जो है बराबर जो है ये प्रेरणा बराबर दीर्घ समय तक, लंबे समय तक वो बनी रहेगी। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का समय प्राय नहीं देता। क्रोध जब व्यक्ति को आता है तो वह अपना जो है बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति, यानी जो शत्रु पक्ष है उसको पीड़ित करने की जो है आदि सोचने का समय प्राय नहीं देता है, पर बैर उसके लिए बहुत समय देता है। अगर क्रोध जो है अगर उत्पन्न हुआ है तो उसमें जो सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है, उसमें क्रोधी व्यक्ति जो है कुछ भी कर बैठता है। लेकिन इसमें जो है बैर अगर उत्पन्न हुआ है तो उसके लिए लंबे समय तक जो है सोचने की उसको समय दे रहा है, बैर उसके लिए बहुत समय देता है। पूछिए तो क्रोध और बैर का भेद केवल कालकृत है। बैर जो है कुछ समय के लिए होता है, क्रोध जो है कुछ समय के लिए होता है, बैर जो है वो लंबे समय के लिए होता है। तो इसमें जो है काल का भेद, काल यानी समय का जो है फर्क दिखाई दे रहा है क्रोध और बैर में। दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला भाव बैर है। अब यहाँ पर देखिए, दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा, यानी जो हम जिस पर हमें क्रोध है उसको दुख पहुंचाने के साथ साथ उसको पीड़ित करना भी हमारा उद्देश्य है। तो इस प्रकार से क्या होगा, मनोविकार क्रोध और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला भाव बैर हो जाता है। यानी कि लंबे समय तक अगर हमारा क्रोध रहा तो वो एक बैर के रूप में प्रकट होता है, यह भाव उत्पन्न हो जाता है बैर के रूप में। किसी ने आपको गाली दी, यदि आपने उसी समय उसे मार दिया तो आपने क्रोध किया। यानी कोई अगर हमें गाली दे रहा है तो हमने उसी समय उसको जो है मारा उसको, या हमने भी उसका प्रतिकार किया, तो यह जो है क्रोध है, आपने उस पर क्रोध किया। मान लीजिए कि वह गाली देकर भाग गया, हम कुछ कर नहीं पाए उसका, और 2 महीने बाद आपको कहीं मिला अगर, तो अब यदि आपसे उससे बिना फिर गाली सुने मिलने के साथ ही उसे मार दिया तो यह आपका बैर निकालना हुआ। यानी कि हमको जब वो 2 महीने के बाद वो व्यक्ति अगर सामने आ रहा है, उस समय तो हम लोग जो है भूल जाते हैं, वो भाग गया तो, लेकिन वही व्यक्ति सामने अचानक आ गया 1 महीना 2 महीने या कुछ समय के बाद, तो हमारा जो है वही बात हमारे मस्तिष्क पर रहेगी कि इसने मुझे गाली दिया था, तो अब मेरा जो है समय आ गया है, अब मैं इसकी जो है अपनी बदला लेने का समय मुझे आ गया है, तो वह उसे बिना पूछे ही बिना सुने ही उसको मारता है। तो यह अपना वैर निकालना हुआ। यही हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं कि समाज में क्रोध की बहुत आवश्यकता रहती है। यदि मनुष्य के मन में इस भाव की उत्पत्ति न हो तो व्यक्ति अपने को दूसरे के कष्टों से बचने का कोई और मार्ग ही नहीं अपना सकता। अतः हमें हमेशा कष्टों को सहना पड़ेगा। अगर हम क्रोध नहीं करेंगे तो हमेशा हमें कष्टों को सहना पड़ेगा। साधारणतः क्रोध व्यवहारिक जीवन में प्रतिकार के रूप में दृष्टिगत होता है। तो बच्चों, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, पूछिए बच्चों। थोड़े शब्दार्थ है, तब तक मैं ये बता देती हूँ, पढ़ के सुना दे रही हूँ। चिर निवृत्ति, बहुत समय के लिए छुटकारा। चिर स्थायिनी, अधिक काल तक टिकने वाले। अभिप्राय, मतलब विधान यानी व्यवस्था। उग्र यानी तीव्र। चेष्टा यानी प्रयत्न करना। आलम्बन यानी सहारा या कारण। नौबत स्थिति। अनिष्ट यानी अहित। विरत यानी अलग होना। खटकना यानी बुरा लगना। व्यंजना यानी अभिव्यक्त। प्रवृत्ति यानी प्रवाह। अनन्य यानी दूसरे से संबंध रखने वाला। हाँ, तो बच्चों कौन पूछ रहे सवाल, पूछिए। नाम बताइए बेटा आपका और प्रश्न पूछिए। काजल कामले कुछ पूछना चाह रही है। हाँ मिस, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर क्रोध आकर ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको शांत करने में क्या कर सकते हैं? हाँ, क्रोध अगर ज्यादा बढ़ गया तो उसे जो है, अगर कोई जिस पर क्रोध कर रहा है, अगर व्यक्ति उसके सामने है तब तो क्रोध शांत नहीं कर सकते। उसे अकेले में ले जाकर उससे अगर समझाया जाए, शांति से उसे शांत किया जाए, समझाया जाए कि क्रोध किस कारण हुआ, उसके मूल रूप को ढूंढा जाए और उसको लेकर उसको समझाने का प्रयत्न किया तो शायद उसे शांत कर सकते हैं उस व्यक्ति को। ठीक है, थैंक यू। हाँ, वेलकम। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। नौबत का अर्थ क्या है? हाँ बच्चों, अभी देखिए मैंने आपको अभी ये बताई थी आपको शब्दार्थ, उसमें देखिए मैंने बताया है आपको। ठीक है, मैं फिर से बता। और अनन्य का अर्थ क्या है? वो सब मैंने बताया बेटा। अभी एक मिनट। नौबत यानी स्थिति, यानी फिर से वो नौबत ना आए, स्थिति ना रहे, फिर से वो हम कहते हैं ना, फिर वो नौबत ना आए, फिर वो समय ना आए। अनन्य यानी दूसरे से संबंध न रखने वाला। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है शब्दार्थ, लेको दिखा रही हूँ मैं। ओके, ठीक है, थैंक यू मैडम। ओके, वेलकम। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्रोध जो है, इसमें यह बताया जा रहा है, इस पाठ में जो हम लोगों ने ये निबंध पढ़ा है यानी पूरक पठन के रूप में, इसमें क्रोध को किस प्रकार से अलग अलग रूपों में व्यक्त किया गया है। हाँ, और ये सब हम लोगों ने देखा। और साथ ही यह भी बताया है कि यह समाज के लिए क्रोध आवश्यक भी है, लेकिन यह जो है एक मनोविकार के रूप में जो है आ जाता है। तो विभिन्न स्वरूपों में इसका जो है प्रकट होना, अलग अलग समय पर विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होता है ये, ठीक है। तो इस तरह से यह पाठ जो है हमने पढ़ा, हमने देखा, ठीक है बच्चों। तो अब जो है यहाँ पर आपका लेसन यहीं पे जो है थोड़ा सा रह गया है, लेकिन मैंने पूरा सार जो है आप लोगों को समझा दिया है। तो यहीं पर हम जो है विराम देते हैं, रुकते हैं।